वीर की साइकिल के गियर टूट गए। सोनू की तो ठीक है साइकिल, मेरी भी ठीक है। हेलो जाट कम्युनिटी वाले सारे भैया ने मेरी तरफ से राम राम। और अब सुबह के बज रहे हैं 5, हम 4:30 बजे निकले थे घर से और अब हाईवे पे पहुंच गए हैं। हम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे साइकिल पे, तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। स्टे ट्यून। आया था, इन्होंने साइकिल चेंज कर ली पीछे। इधर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। रोक ली इन्होंने साइकिल। ओह, हम 10 किलोमीटर आ गए। क्या हो गया? अटक गया यार। क्या तेज चलाने लगा ना इनके, तो साइकिल के टायर ही निकल आए। वो अब चलेंगे कैसे? पैदल आएगा। तो हम 10 किलोमीटर आगे आ गए और यहाँ पे इसकी साइकिल के गियर टूट गए। काम खराब हो गया, अब वापस चल रहे हैं। चलते हैं फिर, गियर ठीक करवाते हैं। सबसे पहले प्लान था हमारा और आगे जाने का 20-30 किलोमीटर, पर इसकी साइकिल के गियर टूट गए, तो पहले गियर ठीक करवाते हैं। देखते हैं फिर वापस ही चलेंगे। अब पोपट हो गया। हम 10 किलोमीटर आ गए और अब पैदल जा रहे हैं। और कुछ हो ही नहीं सकता, इसके गियर ही टूट गए साइकिल के, और कोई दुकान भी नहीं खुली होगी कि सही करवा ले। तो चलते हैं वापस, पोपट ही है। पैदल जा रहे थे, यहाँ पर भी साइकिलिंग करने आए हुए काफ़ी लोग। इनका तो पूरा ग्रुप ही है। चलते हम। तो मैंने सोनू को पकड़ा दी साइकिल। हम वीडियो बनाते हैं थोड़ी बहुत, सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, आप देखना। फिलहाल मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ साइकिल लेके, थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए। वो अभी आ रहे हैं पीछे से। और 5 किलोमीटर रह गया, 5 किलोमीटर चल लिए हम, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। अब बज रहे हैं 7:15, 7:50। वीर की साइकिल के गियर टूट गए। सोनू की तो ठीक है साइकिल, मेरी भी ठीक है। ये भी मेरी वीडियो शूट कर रहा है, ये भी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी ये ढाबे में जा रहे हैं इधर। हम रुके अब थोड़ी देर के लिए ढाबे पर, ये
ये चाय पियेंगे। मैं तो हम अब ढाबे से चलते हैं, अब घर में 5 किलोमीटर दूर है, पहुंच जाएंगे 1 घंटे के अंदर। अब कहीं ज़्यादा रुकना नहीं, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। फिर ओए मास्क पहनो, ओए मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो हम 40 हॉस्पिटल तक पहुँच गए, अब 3.5 किलोमीटर और रह गया, 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर रुके हैं हम USPC स्कूल के पास फ़ोटोशूट के लिए, तो चलते हैं थोड़ी देर में, 1/2 घंटे में पहुँचेंगे, अब तो पास में ही है। तो फिलहाल हम पहुँच गए बस, अब तो ग्राउंड के पास पहुँच गए हैं, ये अपना अपनी मंजिल पे पहुँच गए। ये तो मैं आ गया हूँ घर पे, साइकिल भी दे रहे हैं जिनकी थी और वो चले गए घर पर। तो अब थोड़े बहुत पुशअप लगाएंगे और डाइट लेंगे। तो फिलहाल मैं ड्राइंग कर रहा था और शाम हो गई है, और मैं मैच देख रहा था, राजस्थान रॉयल वर्सेस SRH, और राजस्थान रॉयल जीतेगी आज, 220 बना दिए भाई साहब। और तो ड्राइंग करता हूँ मैं, और साथ में बाहर मौसम ख़राब हुआ पड़ा है, बारिश आ रही, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ रही है, तो आज शायद प्लान कैंसिल करना पड़ेगा ऊपर जाने का, ऊपर एक्सरसाइज करने का, देखते हैं। तो अभी ड्राइंग ही बना रहा हूँ मैं, टाइम पड़ा है अभी ऊपर जाने को, करते हैं ड्राइंग। तो मैंने ड्राइंग कर लिया, छोटा ही ऑर्डर आया होता है एक, वो आपको मैं कल दिखाऊंगा, और भी करनी ड्राइंग, वो कल करेंगे। और अब मैंने अब पुश वगैरह मार के डाइट वगैरह भी ले लिया, और मैच देख रहा था मैं फ़िलहाल, पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का है, आई एम विद पंजाब, देखते हैं क्या होता है। वैसे पंजाब थोड़ी कमज़ोर चल रही है, कुछ भी हो सकता है, गेम पलट सकती है, और मौसम ख़राब है, बाहर बारिश आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, देखते हैं अब क्या बनता है। तभी मैं आज ऊपर भी नहीं गया, वो थोड़ा ड्राइंग का काम कर रहा था और बारिश जैसा ही मौसम हो रहा था, बादल गरज रहे। तो अब रात के 10 बज रहे हैं, मैंने खाना खा लिया, और अब मैं एडिटिंग कर रहा था वीडियो की, और साथ में मैं देख रहा था जो पंजाब वाला दिल्ली जीत रही इसमें। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं हमारे पैर। तो अबे में